गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेल बाईपास पर बन रहे फोर लेन व गोड़धोया नाले का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने कहा कि गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखते हुए कौवाबाग बरगदवा फोर लेन का निर्माण निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करें। इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी ने प्रशासन व कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को यह निर्देश कौवाबाग बरगदवा फोर लेन के निरीक्षण के दौरान दिए। गुरुवार शाम उन्होंने 196 करोड़ रुपए की लागत से 8.56 किलोमीटर की लंबाई में निर्माणाधीन फोर लेन सड़क का निरीक्षण किया, साथ ही प्रोजेक्ट मैप का विस्तृत अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं में समयबद्धता और गुणवत्ता अनिवार्य शर्त होनी चाहिए। इस फोर लेन का निर्माण 30 जून तक अवश्य पूर्ण हो जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने खुद भी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को देखा। निरीक्षण के दौरान पार्षदों ने कुछ संशोधन करने की बात की, जिस पर मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति जताई है और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, कमिश्नर रवि कुमार एनजी, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉ. विपिन ताडा, एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई, एसडीएम सदर कुलदीप मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, सर थोड़ा सा आप यही रहो यहीं पे रहिए। हाँ ठीक, धक्का मत दीजिएगा, आगे मत जाओ यार, आगे जाओ। सर सर भाई आगे सटिए लंबे साहब। अजय भैया, अजय भैया, अजय भैया, अजय भैया किनारे। सर 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 ये पहले कहाँ तक काम प्रारंभ हो, कब तक, कहाँ तक पूरा हुआ इसका काम? सर हमारा सर यहाँ पाँच बजे तक रिव्यू किया था, हमने पाँच बजार के पहले तक यहाँ पे जो नाला पड़ता है गुड़दुआ नाला, उसमें क्या किया? एक सर यहाँ पर डालने वाले हैं, आगे एक कहाँ पादरी बाजार तक कंप्लीट हो गया? पादरी बाजार में टीवी हमने शुरू कर दिया है, टीवी हम कर लिया पादरी बाजार तक, ठीक है, उसके आगे कर लेते हैं। ये जो है ये आरओ भी बनाया गया है, आरओ भी नहीं चौराहे पर करेंगे, चौराहा बनाएंगे। और यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज यहाँ क्या बनाएंगे? यहाँ यहाँ पे आरओ भी वगैरह का कोई उसका नहीं किया गया। फिर आगे हम करीनगर के पास यहाँ आरोपी सर हमारा बन रहा है। ये काम प्रारंभ हुआ? ये सर काम हो गया सर, ये कब तक हो? इसमें डबल हो जाएगा, एक यहाँ आएगा, एक और ये जो फर्टिलाइजर के लिए इस तरह ऐसा जाएगा सर, वही सर उसी ढंग से बना, ये सब उसी ढंग से, ठीक है। और फिर ये आगे यहाँ तक आगे बरगदवा साइड में अभी शुरू नहीं है सर, उस साइड से शुरू हो के आ रहा है सर। कब तक इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे सर? तो आप सर यहाँ तक जून तक टारगेट हमारा पूरा कर देंगे, वो वाला 23 तक जाएगा।
ये यहाँ तक सितंबर 2023 तक, यानी ब्रिज के पहले तक आप लोग इसको इसी जून में कंप्लीट हो जाएगा और फिर ये ब्रिज को बनने वाला बने एक साल तक क्या सर रेलवे से वो मिल गया इसका एनओसी सब कुछ हो गया सभी काम चल रहा है 40% काम हो गया ठीक है। इसमें जो ड्रेनेज दोनों तरफ दे रहे हैं एक तरफ से यूटिलिटी डक दे रहे हैं। देखिए आपका जो सबसे खराब वो है कि यूटिलिटी डक जो बनाते हैं वह ड्रेन से नीचे बनाते हैं, इसमें 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 कोई प्रॉब्लम हमें डिजाइन ठीक है वो वाले में ठीक है हमने कम किया है कि ठीक है तो इसको इस रूप में तैयार कर रहे हैं मोदीपुर में कोई प्रॉब्लम आई उसको ठीक कर दिया गया ना एक तो इसको ठीक कर दूसरा ये ड्रेन ओपन न रहे कवर करें। अभी से कवर करने की इसकी तैयारी हो जाए इसको देख कर पेपर व्यवस्था लाइट का भी है सर और डिवाइडर भी है ठीक है लेकिन और दो मिनट जाए तो बोले पानी चढ़ेगा लेकिन पानी के लिए तो अलग से व्यवस्था नगर निगम और ये बना करके एक अलग से आज मुख्यमंत्री जी ने जलपाई पास रोड का निरीक्षण किया है और पूरे प्रोजेक्ट को समझा है। कुछ हमारे पार्षदों ने इसमें कुछ संशोधन करने की बात कही है, उसको भी महाराज जी ने समझा है और आवश्यक निर्देश दिए गए। जेल पाई पास रोड बन जाने से यहाँ के आम जनता को काफ़ी फायदा होगा और मेन रोड पर भीड़ कम हो जाएगी। ये रोड बरगदवा तक जाएगा, ये पादड़ी बाज़ार बरगदवा ये सबको जोड़ करके राष्ट्रीय मार्ग में चला जाएगा जो मार्ग सुनावली तक जाता है। इससे जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। ये प्रोजेक्ट बहुत दिनों से पड़ा हुआ था जिसे महाराज जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है और जल्द ही ये काम सभी बरसात के पहले पूरे हो जाएंगे जैसा महाराज जी का निर्देश।